हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के ब्लॉग में आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और मैं फर्स्ट टाइम ये सब करने वाली हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है और फनी और बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं निकल को साथ में लेके जा रही हूँ, तो मैं ब्लॉग अच्छे तरीके से भी दिखाऊंगी। वरना क्या होता था कि हम लोग शूट करते थे तो पूरा ध्यान शूट पर रहता था, ब्लॉग हम अच्छे से कर ही नहीं पाते थे, लेकिन आज का ब्लॉग आपको डीपली दिखेगा। तो गाइस, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकल रहे हैं गुना। गुना जाएंगे हम दो तीन जगह, उसके बाद हम लोग करेंगे डांस। फिर से गाइस, अपनी कार का वेट कर रही थी, यहाँ पर ये भाई आ गया है बहुत सारे स्नैक्स लेकर, क्योंकि मैंने मंगाए थे, ये आप देख सकते हैं। और कार में भी बहुत सारा सामान है और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लिए कुछ लेकर आया, ये इंदौर गया था। वाह, ये कहीं भी जाता है मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आता है, और बाकी भी बहुत सारे गिफ्ट है। तो सारे सामान रख रहे हैं गाइस, और दीदी यहाँ पर रख रही है सारे सामानों को, और गाइस राकेश ये कर रहे हैं ड्राइविंग। ओ वंदना दीदी करेंगी रे, वंदना दीदी। तो गाइस वंदना दीदी करने वाली हैं ड्राइविंग, तो गाइस चलो देखते हैं वंदना दीदी की ड्राइविंग, अंदर चलते हैं गाइस। और निकल चुके हैं फाइनली उमरी से गुना के लिए। अच्छे से दिखाओ, आगे हूँ लेकिन इधर मुंह करेंगी तभी तो देखेंगे। तो गाइस कौन कौन लगा रहा है हमारे गाँव की। तो गाइस हम लोगों ने निकल दिया है गुना के लिए, और बहुत तेज धूप पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मौसम ऐसा हो जाए जिससे कि बारिश भी ना हो और बादल भी जाए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं शॉप में, और वंदना दीदी करती है एंट्री। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ शॉप पर, आप लोग ऑलरेडी पहले देख चुके होंगे कि शॉप का नाम है दूल्हा दुल्हन श्रृंगार हाउस। तो यहाँ पे काफी सारी वैरायटी है, अभी क्या गरबा चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, आपको गरबे का दिखा होगा, वरना यहाँ पर ब्राइडल लहंगे भी मिलते हैं, और ये आप देख सकते हैं रखे हुए हैं ब्राइडल लहंगे, ये दिखा दो सब। कई सारे प्राइजेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओनली गर्ल्स का कलेक्शन है, यहाँ पर बॉयज का कलेक्शन भी है, जैसे कि शेरवानी हुई और ये ब्लेजर वगैरह हुई। अभी क्या मैंने जैसा कहा आपसे पहले कि अभी नवरात्रि चल रही है ना, इसलिए अभी यहाँ पर आपको चारों तरफ ना गरबे वाला आउटफिट नजर आ रहा होगा, लेकिन जब जैसे भी वेडिंग सीजन ऑन होगा इस तरह का आउटफिट देखने को मिलेंगे आपको। आप देख सकते हो गाइस बॉयज का कलेक्शन भी कितना प्यारा लग रहा है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ये देख सकते हैं आप फ्रॉक ऐसी कैसे लगेंगे। तो अभी मैं गाइस ना लहंगा देखने आई हूँ, करने के लिए पूरा शूट करवाना है, मैंने घर पर नहीं बताया था आज स्पेशल क्या होने वाला है। आज स्पेशल यही है गाइस कि आपको शूट करवा रहे हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं लहंगा डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सा चूज करूँ, तो मुझे कुछ दिखा रहे हैं और ब्लैक डॉल भी मेरा फेवरेट है, तो मैं यही पसंद आया। तो गाइस जिसने भी अगर लहंगे रेंट से करने की घोषणा की हो, आप लोग अभी जल्दी से हरी अप जल्दी कर लो, वैसे भी ऑलमोस्ट सारे बुक हो चुके हैं। थोड़ा तेज तो बोलो, मन करके चॉइस करो जो भी आपको अच्छा लगे। इयररिंग्स और ये क्या है, गले में पहनने के हैं कुछ झुमका मेरे पास अभी, चलो मैं जल्दी से सेलेक्ट करती हूं। गाइस पूरा एक घंटा हो चुका है मेरे शॉप पर, इन्होंने इतनी सारी वैरायटीज दिखाई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी क्या क्या चीज सेलेक्ट करूं, बट फाइनली मैंने सेलेक्ट कर ली है। देखो मेरा बैग इतना सारा भर चुका है, अब मैं जाना है पार्लर में, चलो नेक्स्ट वहीं पे देखने को मिलेगा आपको जो भी कुछ होगा। फाइनली ढूंढते ढूंढते इस सैलून पे पहुंच चुके हैं, इसका नाम है ग्लोबल ब्यूटी सैलून, और यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ का देखती हूँ रिजल्ट कैसे आने वाला है, मेरा मेकअप सुंदर सा कैसा होगा। तो चलिए कम है कम है, गाइस मेरा मेकअप आर्टिस्ट आप देख सकते हैं मेकअप कर रहा है, मैं ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक्सपर्ट हूँ इन काम में।
दीदी की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मेरा सुंदर मेरे चेहरे को क्या करता है, सुंदर बनाएगा या फिर अगली आगे। चलो देखो गाइस, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, ये मैंने कम से कम ना 10 साल पहले से कर रहा हूं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दीदी। स्टार्ट। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूं अपनी पोजीशन पे तैयार होने के लिए। मेरी दीदी ज्योति वर्मा ये मेरा सुंदर मेकअप करने वाली है। अभी मेरा बिफोर लुक है, आपको फिर बाद में आफ्टर लुक देखने को मिलेगा। ओके चलो दीदी स्टार्ट करते हैं मेरा। दीदी कुछ नहीं, चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो गए हैं गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग कार में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं शूटिंग लोकेशन पे, और शूटिंग लोकेशन है हमारी सिंहासा डैम। और जो सूरज है उसने हमारा साथ नहीं दिया है, वो बेचारे भैया सूरज भैया डूब चुके हैं, अब उनको अंधेरे में शूट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिंहासा डैम, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कर दी हमने कार को पार्क, एंड कैमरामैन आने वाले हैं कुछ ही समय में बहुत जल्द। सो कैसा लग रहा है दीदी, कैसा महसूस कर रही हूँ पहले ही बताओ दीदी, कैसा महसूस कर रही हो? अंधेरा अंधेरा वाला। तो भाई चलिए इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को इधर का शानदार मजा दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर की और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर की अच्छी अच्छी लोकेशन। सो गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन 6 बज चुके हैं और हमारे कैमरामैन भैया जो है अभी तक नहीं आए, हमें पता नहीं कितना इंतजार करवा रहे हैं। आज हमारा सुबह से एक सारे काम जो भी हो रहे हैं जब इतने लेट हो रहा है, मैं क्या बताऊँ गाइस, मुझे तो सच में रोना आ रहा है कि यार मैं क्या बताऊँ किसकी गलती है, मेरी गलती है, सब कुछ मैं ही घर से जल्दी नहीं निकली। सच में अगर जल्दी निकलती तब तक शूट कम्प्लीट हो जाता हमारा। मुझे ये नाइट वाइट के शूट पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ ना दिन के नेचुरल लाइट वाले शूट पसंद है, और जो कि मैं नहीं कर पाई। चलो देखते हैं भैया कब तक आते हैं, कब से शूट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली यहां पर वंदना दीदी करवा रही है अपनी वीडियो शूट, हो रही है फाइनली शूटिंग होने लगी है, और वंदना दीदी बहुत चमक रही है लाइट से। सो गाइस दीदी कान में कीड़ा चला गया, आँख में। सो गाइस यहाँ पर ये उड़ाने वाले हैं गुलाल गोली वाली। यहाँ पर कैमरामैन भैया, यहाँ पर लाइट वाले भैया, यहाँ पर भैया, और ये दीदी, और ये भैया, और यहाँ पर जला दिया फाइनली ये गुलाल। सो गाइस देख सकते हो काफी नाइस, ओपी सुपर। सो गाइस गजब, कितना मस्त लग रहा है, एक और है। सो गाइस दीदी वाले मेकअप करवा कर आई है, लेकिन फिर भी वो देख रही है आलिया भट्ट। क्या नहीं हो पा रहा है। और आवाज भी डाउन हो गई, और तुम्हारा मेकअप भी डाउन हो गया, और कैमरा क्वालिटी भी डाउन हो गई। हाँ तो गाइस तो गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, लोकेशन का नाम है सिंहासा डैम, और अभी हमारा शूट स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट हम लोगों को एक घंटा हो गया है एक रील को शूट करे हुए, हम लोग हर एक शॉट को बहुत क्लियरली शूट कर रहे हैं ताकि अच्छा से दिखा सके आप लोगों को। और मेरे साथ मेरी गैंग है, और मेरे ये कैमरा भाई है ना, ये मेरी गैंग है, आप देख सकते हो मालकिन पैसे ले बचा।
गाइस हम लोग आए हैं वीडियो शूट कराने। अब दीदी गोल गोल घूमेंगी, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियो शूट के लिए। दीदी डर रही है, आग लग गई है। तुम करना करना। वाह। जल्दी होली खेलने जा रही है, गरबा की ड्रेस है। सो आप देख सकते हैं गाइस इनके चलने का स्टाइल। ये भैया कपड़े चेंज कर रहे हैं अपने। तो गाइस यहाँ पर एक वीडियो शूट हो चुकी है, अब दूसरी वीडियो उनकी हम शूटिंग करेंगे। ये बंदा दीदी है, इनके चेहरे पर धूप चमक रही है और ये बहुत जोर से काली लग रही है। असल में काली है नहीं, लेकिन फिर भी मेकअप के बाद लग रही है। गाइस ये अभिषेक है जो माचिस जलाने के लिए खड़ा है, ये बंदा दीदी है, ये भैया मोबाइल से शूट कर रहे हैं और ये हमारे हैं मैन जो कैमरा मैन, और ये एकदम पे पूनम जी हैं। हेलो, आप ये फ्रॉक ये देखिए बटा भाई को। वाओ वाओ कितनी अच्छी है। अरे यार ये सीरियस बना देती यार, ये बनी सही और ये अच्छा भी लगा। गाइस बंदा दीदी को अभी बदबू ये अपनी नाक बंद कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या हमको ये है कि हमको सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको अंधेरा होने से पहले शूटिंग खत्म करना है, नहीं बंदा दीदी पहचान में नहीं आएगी। वो अभी मेकअप इसलिए चमक रही है। ये देखो भैया कैसे हंसने लगे हैं। और क्या कर रहे हैं तुम मुझे मैडा? भैया कुछ कुछ भी कुछ भी। ये गाइस ये अभिषेक है, ये सबसे बड़ा आशिक है जो मोबाइल में लगा रहता है, बार बार स्नैप चलाएगा, स्नैप भेजेगा, स्नैपचैट करेगा। ये ओ ये किसका मोबाइल है? मुझे बहुत खुशी मिली मोबाइल गिरने से की वजह से। और ये अभिषेक भैया हैं गाइस, इनका फोन टूट चुका है पर टूटा दिख नहीं रहा। दीदी की मेहरबानी जो मोबाइल। गाइस अगर आप इसको पहचानते हो तो भर भर के कमेंट में गालियां दीजिए। ये देखो सिगरेट पी रहा है। हाँ ये सिगरेट पी रहा था अभी, सिगरेट बीड़ी पी रहा था। चलो फाइनली सीतारण के लिए रामर जी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो गाइस कैसी लग रही है आपको रावण और लंकन की जोड़ी, कैसी लग रही है? इधर ये सॉन्ग चलाने वाली मैडम जी हैं, इधर ये अभिषेक भैया बैठे। जल्दी जल्दी करते रहो, बंद मत अतुल कर, अतुल कर, अरे करो ना तुम तो यार। अतुल क्या कर रहा है? थोड़ा आगे आओ, दिख नहीं रहा है। गाइस ये देखिए अभी सिंहवासा डैम पर आ चुके हैं और गाड़ी वाले निकल गया, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये भी चले गए। हाँ तो गाइस अभी गुलाल बंदा दीदी के गाल पे लगा है तो वो मना कर रही है लेकिन फिर भी ये नहीं मान। सो गाइस फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, सुबह 11 बजे से लेके हम लोगों को अभी शाम के 7 बज चुके हैं। मैं बहुत जोर से टायर्ड हो चुकी हूँ पर आप मेरी हालत देख सकते हैं गाइस ये कलर से। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूँ, आपको दिख रहा है मेरा फेस का ग्लो, ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है क्योंकि दीदी ने मेरा मेकअप इतना शानदार जो किया था। मैं सब चीज आपको ना मेंशन करूंगी नीचे, उस दीदी की आइडिया वगैरह सब चीज मेंशन कर दूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा लास्ट फाइनल लुक, अभी मैं चेंज करने जाऊंगी। और गाइस मुझे शूट में बहुत ज्यादा मजा आया, मेकअप में भी सब मजा आया। मैं सब कुछ क्रेडिट दूंगी अपने पार्लर वाली दीदी को, कैमरामैन भैया को और जो लहंगा वाले भैया को, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सब सबका मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही फर्स्ट टाइम मेरा शूट था। गाइस आप लोग बताना मेरा शूट कैसा लगा। तो गाइस आप मेरी हेयर स्टाइल देख सकते हैं, मुझे जैसी हेयर स्टाइल चाहिए थी ना वैसी हेयर स्टाइल मुझे ये प्यारी से दीदी ने बना कर दी। तो मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी दीदी का, बहुत सुंदर से हेयर स्टाइल लगी मुझे इनकी। और मेकअप तो मैं माइंड ब्लोइंग ऑसम है, मेकअप को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 देने वाली हूँ गाइस, बहुत सुंदर मेकअप रहा है मेरा।
सो गाइस हमारा ब्लॉग हम यहीं पर करते हैं एंड हैप्पी नवरात्रि सभी को, जय माता दी गाइस सबको, बाय बाय।